बच्चों आज की वीडियो में हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी पाठ छह पन्ना का त्याग इस कविता को पढ़ेंगे जो कि एक अपने मेवाड़ की सुप्रसिद्ध पन्नाधाय के अनुपम त्याग का वर्णन किया गया है। इसमें वह अपने बच्चों का चंदन का बलिदान करके मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बचा लेती है और इसमें उसके महान त्याग व महान स्वामिनी भक्ति का परिचय मिलता है। तो आओ बच्चों ये पंक्तियाँ पढ़कर अपन इसके अर्थ समझते हैं। आप भी अपनी किताब खोल लीजिए, मैं चार चार पंक्तियाँ पढ़ के आपको अर्थ समझाऊंगी। किताब खोल के रखना और अच्छे से इस पाठ को समझ लेना। तो तलवार उठाकर हाथों में आंखों में ले खूनी ज्वाला बनवीर जा रहा महलों में था जाने क्या होने वाला। लेते थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में मन था पन्ना का कांप रहा महलों की कपटी माया में। तो जो ये प्रस्तुत पद्य में कवि ने पन्नाधाय के मन के भावों को प्रकट करते हुए बोला कहा है कि जब बनवीर सिंह हाथों में तलवार उठाकर महलों में प्रवेश कर रहा था तो धाय के मन किसी अनजानी आशंका से कांप रहा था। इन्हें पन्नाधाय को डर लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। तो देखा पन्ना ने एक नजर चंदन जैसे ही उदय लगा बादल में बिजली कौंध गई था एक विचित्र विचार जगा। तो किसी अनजानी आशंका को भांपकर पन्ना ने एक नजर दोनों बच्चों पर डाली। उन्होंने चंदन में उदय सिंह की छवि नजर आई तभी उनके मन में एक विचार तोंधा कि क्यों न चंदन को उदय बना डालूं ताकि बनवीर की तलवार की प्यास उसे मारकर बुझ जाए। मतलब मेरे बेटे को जो है उदय बना दूं, उदय सिंह बना दूं और उदय सिंह को मेरा बेटा बना दूं। तो वो क्या करती है कि उनको उनकी जगह पर लिटा देती है और ताकि बनवीर की तलवार उसकी प्यास बुझा ले। एक 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 यही रास्ता है जिससे मेवाड़ का राज्य का दीपक जो अविरल रूप से जलता रहे ताकि ये मेवाड़ के राज्य का जो एक चिराग बचा है ये बच जाए। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा बहते थे आंसू लगातार माँ का ममत्व चित्कार उठा। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। अपने मालिक के उपकार का बदला चुकाने के लिए पन्ना धाय ने के रोम रोम से एक लहर उठी उसका मातृत्व हाहाकार कर उठा और आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। परंतु अपने हृदय को पत्थर बनाकर पन्ना ने चंदन के वस्त्र कुंवर उदय सिंह को पहनाकर उसे राजकुंवर बना दिया। ऐसा लगा मानो स्वयं ईश्वर ने सारे ग्रह नक्षत्र को बदल दिया हो। अब उदय सिंह की शैया पर आंखों का तारा सोया था पाषाण बन गई थी ममता चंदन सपनों में खोया था। पत्तल दोनों के बीच छुपा महलों के कीरत निकल चला उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिया। पन्ना धाय ने बड़े साहस के साथ उदय सिंह की शैया पर चंदन को सुला दिया। उसने अपनी ममता का पर पत्थर रखकर आंखों के तारों को जो कि सपनों में खोया था बनवीर के क्रोध को ठंडा करने के लिए रख दिया। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने उसे पत्तल दोने में छिपाकर कीरत सिंह को सौंप दिया और उसे उदय सिंह की रक्षा के वचन को लेकर यह विश्वास पक्का कर लिया कि वह उसको सुरक्षित बाहर निकल जाएगी। तो एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में इतने में हाहाकार मचा यमराज आ गया महलों में तत्काल लपक कर उठी। शोषित से रंग बिछोना था मेवाड़ सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था। उदय सिंह की सुरक्षा में से आश्वस्त हो पन्ना की भयभीत आंखें एक चमक सी आ गई। इतने में महल में हाहाकार मच उठा क्योंकि बनवीर सिंह यमराज के रूप में हाथ में तलवार लेकर अंदर घुसा और आवेश में बिस्तर पर सोए बालक पर तलवार चला दी। मेवाड़ के सूर्य की रक्षा के लिए पन्ना ने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया। पन्ना सहमी सी खड़ी रही कंपित करके संकेत किया एक मृग ने छोने को सिंह के हाथों में सौंप दिया। धरती अंबर थे कांप उठे धन्य हो गई पन्ना थी इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। बनवीर सिंह को देखकर पन्ना साहसी डरी हुई खड़ी हो गई और कांपते हुए चंदन की तरफ इशारा किया जहाँ वो उदय सिंह सोए थे वहाँ उसका पुत्र सोया था। तो उन्होंने उनके ऊपर इशारा किया मानो कि एक हिरण ने अपने बच्चे को सिंह के शेर को सौंप दिया हो।
और उस वक्त धरती आकाश भी कांप उठे, परंतु पन्नाधाय अपनी स्वामी भक्ति के कारण इतिहास के पन्नों में सदा के सदा के लिए अमर हो गई। तो ये अपने मालिक के प्रति वफादार रही और इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो बच्चों, इस पाठ से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारे जो हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, उनको जहाँ पर भी अपन काम करते हैं उसके प्रति हमें वफादार रहना चाहिए, भले ही वो कोई सा भी काम हो। तो आपको इसके पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं, इसके पीछे ही दे रखे हैं शब्दार्थ, और मैं आपके इसके प्रश्न उत्तर आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। घर पर रहकर सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।